गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तुलिप क्लास वन सेमिस्टर टू, जीके चैप्टर फर्स्ट, माय इंडिया स्टेट्स एंड देयर लैंग्वेजेस। इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस है, हम गुजराती बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, मलयालम, और जो 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 भी स्टेट का है वो लैंग्वेजेस बोलते हैं। There are more than 100 languages in our country. 100 से भी ज़्यादा हमारे देश में languages हैं। These languages are as varied as the people of India. Let us take a look at some of the major languages spoken in India. India has 22 officially recognized languages. इंडिया में 22 ऑफिशियली लैंग्वेजेस है। संस्कृत इज एन एशियंट इंडियन लैंग्वेजेस एंड वन ऑफ द 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन इंडिया। संस्कृत सबसे पहले लैंग्वेज हमारे इंडिया में आया है थी तो वो संस्कृत थी, और संस्कृत में से 22 ऑफिशियली लैंग्वेजेस इंडिया में है। संस्कृत इज ऑल्सो द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा संस्कृत भाषा का उपयोग किया जाता है, और उसकी उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा संस्कृत लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं। तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम एंड ओडिया आर द क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम एंड ओडिया आर द क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। ये क्लासिक लैंग्वेजेस है। द हिस्ट्री ऑफ दिस लैंग्वेजेस डेट बैक टू 1500 एंड 200 ईयर्स ओल्ड। ये 1500 से 2000 साल पुरानी लैंग्वेजेस है। How many officially recognized languages are there in India? तो 22 आएगा, यहाँ पे 22 आएगा। Fact file: The Bengali language developed from a language called Pali. It is the 7th most spoken languages in the world. पहले बंगाली language called Pali, यानी कि पाली कहते थे। बंगाली की लैंग्वेज यानी कि उसकी भाषा को पाली कहते हैं, और वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज है। 7th मोस्ट यानी कि वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेजेस बोली जाती है उसका नंबर 7 है। लेट अस टेस्ट योर नॉलेज अबाउट द डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया। ए, विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन द स्टेट ऑफ केरला। तो केरला में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो केरला में मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है। विच स्टेट्स ऑफिशियल लैंग्वेज इज मराठी। तो मराठी क्या आएगा? महाराष्ट्र। मराठी लैंग्वेज कौन सी भाषा, कौन से स्टेट में मराठी भाषा बोली जाती है? तो महाराष्ट्र आएगा। विच लैंग्वेज इज लार्जली स्पोकन इन ओडिशा। ओडिशा में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो ओडिया। ओडिशा में ओडिया बोली जाती है। व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द खासी पीपल ऑफ मेघालय। तो यहाँ पे देखो, खासी पीपल है मेघालय में, खासी जाति के पीपल है जो दो लैंग्वेज यूज करते हैं, एक खासी और एक गारो। आप दोनों में से को भी लिखोगे तो दोनों ही राइट आएगा। खासी पीपल गारो भी यूज करते हैं और खासी भी लैंग्वेज यूज करते हैं। इन विच कोस्टल स्टेट इज कोंकणी चीफली स्पोकन। तो कोंकणी लैंग्वेज कौन यूज करता है, कहाँ कौन से स्टेट में यूज करते हैं? तो गोवा में आएगा। मैच द स्टेट्स विथ देयर ऑफिशियल लैंग्वेजेस।
तो ये स्टेट के नेम है और वहाँ कौन सी लैंग्वेज यूज़ करती है वो हमें मैच करना है। तो नागालैंड में कौन सी, नागालैंड में इंग्लिश बोला जाता है, तो नंबर टू इंग्लिश आएगा। राजस्थान में हिंदी आएगा, तो राजस्थान में हिंदी बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी, कर्नाटका में कन्नड़ा और गुजरात में गुजराती बोली जाती है। नागालैंड में इंग्लिश, राजस्थान में हिंदी, पंजाब में पंजाबी, कर्नाटका में कन्नड़ा और गुजरात में गुजराती। चलो क्विज टाइम। डोगरी इज अ लैंग्वेज दैट इज स्पोकन इन जम्मू एंड कश्मीर, तो ट्रू और फॉल्स आएगा। तो डोगरी जो लैंग्वेज का नेम है, जम्मू और कश्मीर में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो डोगरी, तो ट्रू आएगा। बोडो इज अ लैंग्वेज दैट इज स्पोकन इन, तो बोडो जो लैंग्वेज है वो कहाँ पे बोली जाती है, तो वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे लिखना है वेस्ट बंगाल। द ऑफिशियल लैंग्वेज इज सिक्किम इज, तो सिक्किम की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो संस्कृत, वहाँ पे संस्कृत ज़्यादातर बोली जाती है। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आंध्र प्रदेश इज तमिल, ट्रू और फॉल्स, तो फॉल्स आएगा। वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज आंध्र प्रदेश में, तो कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो तमिल नहीं बोली जाती है वहाँ पे। छत्तीसगढ़ ऑफिशियल लैंग्वेजेस इज हिंदी, तो ट्रू आएगा। छत्तीसगढ़ की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, तो ट्रू आएगा। ओके, हम चैप्टर वन यहाँ पे फिनिश करते हैं, माय इंडिया स्टेट एंड देयर लैंग्वेजेस। तो आपको ये क्वेश्चन आंसर आने चाहिए।